सीरियल बरसाते में रियांश जो है ना, मुझे लगता है आराधना को मनाकर ही छोड़ेंगे। मनाकर छोड़िए, वो अपने प्यार में उनको एकदम घायल कर कर ही छोड़ेंगे। तभी तो जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये ऐसी वाली फील मिल रही होगी आराधना को, क्योंकि पीछे पीछे जो मंडरा रहे हैं आराधना के। जिधर जिधर जाएगी तेरा दीवाना पीछे पीछे आएगा, आएगा भी और अपने प्यार को टुकुर टुकुर ना देखेगा भी। अब क्या करे, रियांश अपने प्यार से इतना मजबूर है कि जहाँ जहाँ आराधना जाती है उसके पीछे पीछे वो चला जा रहा है। बिना ये सोचे समझे कि भाई शादी ब्याह का घर है, जो लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि रियांश आया है देहरादून आराधना को वापस लाने अपनी जिंदगी में, और सुनैना और विक्रम, अंकुश तो अंकुश भी आया है उसको हेल्प करने के लिए। तो हम दोनों टीम की तरह रियांश को हेल्प कर रहे हैं कि आराधना ठंडी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए उन दोनों में, और वो वापस आ जाए बॉम्बे और सब कुछ ठीक हो जाए। तो वही सब चल रहा है, आगे के किस्से तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। आराधना को भी ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे पीछे पीछे रियांश उसके घूम रहा है, कि कभी वो अवॉइड करती तो कभी ये सोचती कि अब इसे मैं क्या बोलूं। अब रियांश अपने दिल की बात कहना चाहता है आराधना से। उसके पीछे पीछे वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे मौका चाहिए आराधना से माफी मांगने का, जो कि फिलहाल अभी तो उसे बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। अब जब आराधना ने ये कह दिया कि क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम क्या मेरी माँ हो, आराधना के इस बात पर रियांश ने फिर कुछ ऐसा कह दिया कि दिल दुख गया आराधना का। एक्चुअली आराधना को ट्राई फाइंड आउट करना है कि उनकी असली मॉम कौन है, कैसा है, क्यों छोड़ के वो चली गई। तो आराधना के पीछे पीछे रियांश है। अब आराधना के मन में तो ये बात घर कर गई है कि रियांश के दिल में इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसको जब जिसे जो कहना होता है वो कह देता है। फिलहाल तो जहाँ बात बननी चाहिए थी वहाँ बिगड़ गई है। आराधना और रियांश, आप दोनों का क्या होगा, आप दोनों क्या चाहते हैं, ये सोच सोच कर हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टिंग। ABP News, आपको रखे आगे।